आज हम 200 ग्राम ग्लूकोज बिस्किट का इस्तेमाल करके एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे देखते ही आपका बनाने का मन करेगा। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए मैंने कुल मिला के 200 ग्राम बिस्किट लिए हैं और एक पैकेट के अंदर लगभग 13 बिस्किट आए हैं। आप कोई भी ब्रांड का बिस्किट हो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने ग्लूकोज बिस्किट लिए हैं। यदि आपके पास चॉकलेट बिस्किट हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी बिस्किट को हम एक बाउल के अंदर ले लेते हैं। इसमें आपको बिस्किट तोड़ने की जरूरत नहीं। यदि आपके पास टूटे हुए बिस्किट पड़े हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार बिस्किट ज्यादा या कम ले सकते हैं। ये कुल मिला के मैंने 39 बिस्किट लिए हैं। इस तरह से हम सभी बिस्किट को बाउल में निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है जिसके अंदर लगभग मैंने आधा लीटर जितना पानी डाल दिया है और उसके अंदर एक रिंग रख दी है। आपके पास इस तरह की रिंग वगैरह नहीं हो तो उसकी जगह पे आप चाहे तो एक कटोरी भी रख सकते हैं या प्लेट भी रख सकते हैं। ये पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। पानी में इस तरह से उबाल आ जाता है उसके बाद में ये बिस्किट है इसके अंदर रखते हैं। बिस्किट को मैंने ऐसे साबुती रख दिया है, आप चाहे तो टुकड़े करके भी रख सकते हैं। भी ढक्कन लगा करके इसे 5 से 7 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हमने एक पैन लिया है और पैन में 3/4 कप जितना मिल्क पाउडर डाल देते हैं। तो आपके पास जो भी मिल्क पाउडर हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके पास डेयरी व्हाइटनर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैंने आधा कप जितना दूध लिया है, ये कच्चा दूध है, ये इसमें डाल देते हैं और एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। आपके घर में काऊ मिल्क आता हो या भैंस का दूध वगैरह आता हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने गैस को चालू नहीं किया है, ये काम हमें गैस जलाने से पहले ही कर लेना है। यदि गैस चालू करके आप करेंगे तो इसमें घाटे वगैरह पड़ जाएगी। अभी दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें 2 चम्मच जितना शक्कर डाल देते हैं। इसमें ज्यादा शक्कर नहीं डालनी है, 2 छोटे चम्मच मैंने शक्कर डाली है। इसी के साथ 1/2 छोटा चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाल दें और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, खाली 1 टेबल स्पून घी डाल और सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देंगे। गैस को हम मध्यम आंच में रखेंगे, ज़्यादा तेज आंच में नहीं रखेंगे। ये फटाफट बन करके तैयार हो जाता है। इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो ये चिपक जाएगा, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे आँच में करें, थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकता है, पर क्या चीज़ अच्छी बन के तैयार होगी। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास में मिल्क पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पर आप 1/2 किलो दूध ले लें और दूध को धीरे धीरे गाढ़ा कर लें, तो इस तरह से खोए के जैसे बन जाएगा। ये हमारा बहुत ही झटपट खोया बन करके तैयार हो गया है। मिल्क पाउडर से क्या काम बहुत फटाफट हो जाता है। आप चाहे तो मार्केट से भी खोया लेकर के आ सकते हैं, पर यह बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। और घर में बनाया है तो अपने को मालूम है कि चीज़ कितनी अच्छी बन के तैयार होंगी। अभी देखिए पूरा कढ़ाई इसने छोड़ दिया है, इस तरह से गाढ़ा हो गया। ठंडा होएगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करें, इसे ज़्यादा करेंगे तो ये कड़क पड़ जाएगा। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। अभी मैंने लगभग 1 टीस्पून जितना पिस्ता लिया है, पिस्ता यदि आपके पास हो तो डालें, और थोड़ा सा मैंने बादाम लिया है, ये भी लगभग 1 टीस्पून जितना ही है। तो आप 2 बादाम को चाहे पतला पतला काट के इसमें डाल सकते हैं या बादाम का चूरा करके भी डाल सकते हैं और 5-6 पिस्ता को काट के डाल सकते हैं। इतना काम करने में लगभग हमारे 6 मिनट लगे हैं। 6 मिनट में हमारा देखिए बहुत ही अच्छा खोया बन के तैयार हो गया। जब तक हमने मावा बनाया तब तक इसे स्टीम करते हुए लगभग 7 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोल के देख लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी सॉफ्ट हो गए, देखिए रोटी की तरह सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अभी इसे हम बाहर निकाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अभी इस गरम गरम को एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अब हल्का ठंडा होने के बाद में हाथ से इस तरह से कर सकते हैं तो आराम से ये टुकड़े हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएंगे। इस तरह से मसल करके सभी काम चूरा कर लेंगे। यदि आपके घर में चॉकलेट बिस्किट का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको ये कोको पाउडर नहीं डालना पड़ेगा। तो मैं अच्छे कलर के लिए इसमें 1 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर डाल रही हूँ, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और चॉकलेट का फ्लेवर भी इसमें अच्छा आएगा। देखिए कोको पाउडर डालते ही इसके अंदर इसका कलर चेंज हो गया। अभी इसका हमें डो बना करके तैयार करना है। इसका डो बनाने के लिए मैंने लगभग 2 टेबल स्पून जितना कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क किस तरह से बना करके तैयार करना है वो मैंने मेरे चैनल पे आपको दिखाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। इसके लिए आपको सिर्फ दूध और चीनी की जरूरत होती है और एक कंडेंस मिल्क बन जाता है, बहुत ईजी है बनाना। यदि आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते हैं तो दूध को थोड़ा गाढ़ा करके डाल सकते हैं। अभी मैंने उबला हुआ दूध लिया है, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। हमें इसका सॉफ्ट आटा गूंद करके तैयार करना है। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन के अंदर घंटी बज जाएगी। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इतना डो बनाने में लगभग मेरे 3 टेबल स्पून जितना दूध लग गया है और 2 टेबल स्पून जितना कंडेंस मिल्क का है।
कंडेंस्ड मिल्क डालने से क्या इसमें शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यदि आप खाली दूध ही डालते हैं तो आपको शुगर पीस करके इसमें डाल सकते हैं, या दूध जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर शुगर डाल करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बिस्किट भी मीठा होता है तो ज़्यादा शुगर डालनी नहीं पड़ती है इसमें। इस तरह से आप सॉफ्ट डो बना करके तैयार करें। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इतनी देर में ये भी ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद में क्या छोटा छोटा हम बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह से आप ले लें और आराम से इसकी छोटी छोटी बॉल्स बन जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी। इस तरह से आप छोटी छोटी बॉल्स बना करके तैयार करें। ये मैंने घर पे मावा बनाया इसलिए सॉफ्ट बना है। यदि आप मार्केट का मावा लेते हैं तो आप उसे कद्दूकस कर ले, उसमें थोड़ा सा आप दूध डाल दें जिससे वो भी मावा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से सब बना करके हम तैयार कर लेते हैं। और साइड में आप देख पा रहे हैं आटा भी थोड़ा सा हार्ड हो गया है क्योंकि इसने अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस तरह थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दें क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि पड़ा रहने से दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप इस तरह से थोड़ा सा दूध डाल, बहुत ज़्यादा नहीं डाल, थोड़ा सा दूध डाल कर इसे सॉफ्ट कर लें। हल्का सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए जिसे आराम से हम रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इससे क्या स्मूथ भी बन के तैयार होगा। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं जिससे अच्छा चिकना हो जाएगा। देखिए पूरा बाउल भी हमारा साफ़ हो गया, अच्छा चिकना हो गया है। अभी हाथ को हमने साफ कर लिया, थोड़ा सा इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। बहुत थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। और इसमें से एक लोई को तोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तोड़ा, एक छोटा सा लोई तोड़ लें नींबू के आकार का। हाथ में लेकर के आप इस तरह से इसको स्मूथ कर लें, स्मूथ करके कटोरी के जैसे बना लें। देखिए ये आराम से बन जाएगा। अभी जो बॉल हमने बना के रखी है वो इसको इस तरह से अंदर डाल दें और चारों तरफ से इसको इकट्ठा करके इसके ऊपर लेकर के आ जाए और ये अच्छे से पैक हो जाएगा। फिर गोल गोल करके इसे पैक कर लें। आटा सॉफ्ट होगा तो आराम से ये बन जाएंगे, इसलिए आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट रखें। आप इस तरह से घुमा करके आप बना लें। देखिए बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो गया। अभी तक लड्डू हमारा पूरा तैयार नहीं हुआ है, एक चीज़ अभी और बाकी है। इस तरह से हमने सभी बना करके तैयार कर लिए हैं और आप देख पा रहे हैं दिखने में कितना स्मूथ बन के तैयार हुए हैं। आप चाहो तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं मेरे घर में इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा नारियल का चूरा ले लेती हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून जितना लिए हैं। एक लड्डू का आप इस तरह से ले लें और इसके ऊपर हल्का सा लगा दें, थोड़ा सा आप घुमा लें इसके ऊपर बस, जिससे क्या दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और हल्का सा घुमा करके इसके ऊपर से निकाल, एक्स्ट्रा हो तो निकाल लें। देखिए बहुत ही सुंदर लुक दिखता है, जैसे मार्केट में मिलता है ना उसी तरह से बन के तैयार। बस थोड़ा थोड़ा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना है, कोई देख के पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने घर में बनाए हैं। और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ये। यदि आपके घर में कभी किटी पार्टी वगैरह हो तो इस तरह की मिठाई बना करके आप सर्व करेंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये बिस्किट से बना कर तैयार किए हैं। इस तरह से हमने 15 मिनट में 1 टेबल स्पून घी में तैयार होने वाली बिस्किट की स्वादिष्ट मिठाई बना करके तैयार कर ली है। वजन में देखें तो लगभग 300 से 400 ग्राम के बीच में बन के तैयार हुई है। और यदि आपके घर में सिर्फ दूध, चीनी और बिस्किट है तो भी ये मिठाई बना करके आप तैयार कर सकते हैं। बाहर से आपको देख करके इतना समझ नहीं आ रहा होगा पर इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसी के साथ हमने जो मावा इसके अंदर ऐड किया है उस कारण से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। पर इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इस मिठाई को बना करके आप फ्रिज में रखें, फ्रिज के बाहर नहीं रखें। फ्रिज में रखेंगे तो ये 5-7 दिन भी ख़राब नहीं होती है। पर ये मिठाई इतनी आसानी से बन जाती है, कभी भी आप फ्रेश बना करके भी तैयार कर सकते हैं। तो इन त्योहारों पर आप भी अपने घर में मिठाई ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।